यह कक्षा प्रथम की पल्लवी नामक संस्कृत पुस्तक है। चतुर्थ पाठ, पाठ चार, शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग। यहाँ कुछ शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं, तो आइए पढ़ते हैं। मुखम, मुख, नेत्रम, आँख, नासिका, नाक, कर्णः, कान, उष्ठः, ओठ, जिह्वा, जीभ, दन्तः, दांत, हस्तः, हाथ, पादः, पैर, अंगुलिः, अंगुली, जानुः, घुटना, ग्रीवा, गर्दन। इस पाठ का अभ्यास करते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न है आपका, उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण कीजिए। आप लोग इसका शुद्ध और स्पष्ट तरीके से उच्चारण कीजिएगा। एक बार मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। मुखम, दंताः, नेत्रम, हस्तः, नासिका, पादः, अंगुलिः, कर्णः, उष्ठः, जानुः, जिह्वा, ग्रीवा, मस्तकः, वक्षः, अंगुष्ठः। द्वितीय प्रश्न है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा तस्य नामेन चिह्नं प्रदर्शयति, यानी चित्रों को देखकर उसके नाम पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ बना हुआ है आपका आँख, जिसकी संस्कृत होगी नेत्रम, तो हम लोग नेत्रम पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, इसमें यहाँ चित्र बना हुआ है नाक का, जिसकी संस्कृत होगी नासिका, तो नासिका पर सही का निशान लगाएंगे। यहाँ घुटने का चिन्ह बना हुआ है, तो जिसका संस्कृत होगा जानू, तो हम लोग जानू पर सही का निशान लगाएंगे। यहाँ ग्रीवा बना हुआ है, तो इसका यहाँ गर्दन है, इसका संस्कृत होगा ग्रीवा, तो ग्रीवा पर सही का निशान लगाएंगे। यह जिह्वा, जीह बना हुआ है, जिसकी संस्कृत होगी जिह्वा, तो जिह्वा पर सही का निशान लगाएंगे। यह कान बना हुआ है, जिसकी संस्कृत होगी कर्णः, तो हम लोग कर्णः पर सही का निशान लगाएंगे। तृतीय प्रश्न है, चित्राणि सह तस्य नामानि मेलयत, यानी चित्रों के साथ उनके नाम को मिलाइए। यहाँ पैर बना हुआ है, तो जिसकी संस्कृत होगी पादः, तो हम लोग पादः से मिला देंगे। यहाँ मुँह बना हुआ है, जिसकी संस्कृत होगी मुखम, तो हम लोग इसको मुख से मिला देंगे। यह ऊँट बना हुआ है, जिसकी संस्कृत होगी ओष्ठः, तो हम लोग ओष्ठः से मिला देंगे। यह अंगुली है, तो इसकी संस्कृत होगी अंगुली, तो अंगुली से मिला देंगे। यह हाथ बना हुआ है, जिसकी संस्कृत होगी करह, तो हम लोग करह से इसका मेल कर देंगे। यहाँ दांत बना हुआ है, जिसकी संस्कृत होगी दंता, तो हम लोग दंता से मेल कर देंगे। इसी के साथ यह पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ का आप लोग स्मरण और अध्ययन कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।